कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि हम पंडित के पीछे थे और ब्लास्ट हो गया। कौन? कौन तुम? हाँ मैं। नहीं, तुमने मुझे डराई दिया है। तो और क्या करती? अब विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए थे और मुझे कोई अंदर आने नहीं देता। ये देख, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। सूप, घर का बनाया हुआ सूप। यहाँ हॉस्पिटल का खाना खाके तो अच्छा वाला बंदा बीमार पड़ जाए, है ना? ये लो। आखिर तुमने मेरी जान बचाई ली ना। तुमने भी तो मुझे बचाया था ना। फिर से एहसान के मैच में लग गई तुम। जो पिछले दो दिनों में हुआ है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, कभी नहीं। पूछ सकता हूँ क्यों? वो डर, वो पल जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो सकती हूँ, नहीं, मैं वो याद नहीं करना चाहती। प्लीज। याद है दही हांडी वाले दिन जब मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी? मैं क्या कहना चाहती थी? क्या? सॉरी, पर फिर मैं। फिर क्या? क्या हुआ? मेरे को रोको, उसमें वो है। आई थिंक हमें ये सब भूल करना, ये ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये किया किसने था। मतलब इस केस को सॉल्व करने में तुम मेरी मदद करोगी? ऑफ कोर्स। पता है, नीला माँ को सोसाइटी का एक थर्माकोल मॉडल मिला था, तो इससे ये तो जरूर पता चलता है ना कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसके पीछे जरूर किसी का हाथ था। और दीदी भी तो सारे विटनेसेस का स्टेटमेंट ले रहा है। क्यों कर रही हो तुम ये? क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूं, भूल गए? वाइफ थी। बैठो यहाँ। कल मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ, तो मेरे साथ घर चलोगी ना? वो नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। सारी उम्र देखती रही माँ और पापा को प्यार और परिवार के बीच लड़ते हुए, सोचती रही कि पापा ने मामा को क्यों नहीं चूज किया, क्यों हार मान ली। मैं आयशा माँ नहीं बनना चाहती थी और मैं तुम्हें उस सिचुएशन में नहीं डालना चाहती कि तुम्हें किसी एक को चूज करना पड़े।
मम्मी